चलिए, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति, है ना, आर्ट एंड कल्चर। उसमें हमने क्या पढ़ लिया था, लोक गायन पढ़ लिया था, ठीक है। और लोक गायन हो गया था ना, पूरे हो गए थे चारों, बुंदेलखंड, चारों हो गए थे ना, बघेलखंड, बुंदेलखंड, निमाड़ी और मालवा, चारों हो गए थे। हमने पांच टॉपिक पढ़ना था आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है। एक बार उसको रिवाइज कर ले, जैसे मैंने ट्रिक बताया था, और उसके आगे अपन चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने मैंने अभी आप लोग को बताया था ना कि हमें मध्य प्रदेश में आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे थे, कला एवं संस्कृति, और हमें इस पे पांच टॉपिक पढ़ना था। एक टॉपिक था हमारा कौन सा, लोक गायन का ना, ये हो चुके हैं ना। और लोक गायन के बाद हमने क्या पढ़ना था, लोक नृत्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे, यहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। और फिर इसके बाद एक था चित्रकला, सॉरी लोक नाट्य, अपन इसको इंग्लिश में ड्रामा बोलते हैं, ठीक है, इसको डांस बोलते हैं। और दो टॉपिक और थे हमारे, क्या थे, एक हमें पढ़ना था चित्रकला और शिल्पकला, एक पढ़ना था हमें चित्रकला, पेंटिंग जो होती है ना, मूर्ति ना, आर्ट कह सकते हैं, या एक और हमें पढ़ना है क्या, शिल्पकला, है ना, आर्टिशियन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये पांच टॉपिक हमें कंप्लीट पढ़ना है, तो हमारा ये हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि जो लोक गायन है, लोक नृत्य है, लोक नाट्य है, चित्रकला और शिल्पकला, ये हमारे यहाँ पे काफी बहुमूल्य रूप से मिलती है। वो क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्राइब्स पाई जाती है, जनजाति पाई जाती है, और वो जो फेमस जो एरिया है वो चार एरिया ही फेमस है। मैंने आपको लोक गायन में बताया था, एक हमारा कौन सा, मालवा साइड आपको देखने मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मालवा के बाद हमें एक देखने मिलेगा निमाड़ क्षेत्र में, जो उसके नीचे पड़ता है। और कुछ लोक गायन, कुछ लोक नृत्य, कुछ लोक नाट कॉमन भी है सब जगह, ठीक है। मतलब वो जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि जो जैसे यहाँ पे डंडा नाच, अगर आप लोक नृत्य देखेंगे तो डंडा नाच लोक गायन में भी होता है। कलगी तुर्रा अभी विवादित बना हुआ है किस पे, एमपीपीएससी में आपने देखा होगा, है वो, बहुत सी बुक क्या बता रही है कि वो किसका है, निमाड़ का है, मगर उसके साथ साथ भी वो मालवा में भी होता है। मगर उसकी जो स्पेशलिटी है, जो उसकी सबसे ज्यादा उसको माने, जहां पे वो लोक गायन किया जाता है, वो निर्माणी माने निमाड़ को ही माना जाता है। तो निमाड़ और मालवा दोनों में फेमस है, ठीक है, तो कुछ चीज कॉमन मिलेगी। फिर हमने एक और क्या देखा, बुंदेलखंड एरिया और बघेलखंड, और एक और कहां देखना हमें, बघेलखंड। मतलब ये चार जो हमारे मध्य प्रदेश के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, यहाँ पे आपको ये संस्कृति, ये आर्ट एंड कल्चर हमें देखने मिलेगी। क्लियर, समझ में आ रहा है, ये चीज हमें देखना है। तो हम सबसे पहले लोक गायन को पढ़ लिए थे, तो मैं एक बार उसका जो हमने जो ट्रिक बनाई थी उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद लोक नृत्य में आते हैं। और इन पांचों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, लोक नृत्य। और क्या पूछता है लोक नृत्य में, ट्राइब पूछता है कि बैगा का लोक नृत्य क्या है, गोंड का लोक नृत्य क्या है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता था कि कौन सी ट्राइब्स कौन सा लोक नृत्य करती है, अपन को वो देखना है। चलिए, तो एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने आपको लोक गायन का बताया था, लोक गायन में हमने सबसे पहले बताया था फोक गायन में हमने सबसे पहले बताया था मालवा का। मालवा जो हमारे पश्चिम क्षेत्र में है, यहां पे क्या बताया था, बताइए क्या बताया था, संजा के भजन, हाँ, संजा के निर्गुड़ी भजन से ही बरसात होती है। तो ये हमारी ट्रिक थी इस पे, संजा के, बोलिए, संजा के निर्गुड़ी भजन से ही, आप जितना बोलेंगे उतना वो याद रहेगा, क्योंकि इसको याद करने का सिर्फ ट्रिकी तरीका है, बहुत कंफ्यूजन है ये, है ना। संजा के निर्गुड़ी भजन से ही बरसात होती है, संजा के निर्गुड़ी भजन से ही बरसात होती है, बरसात होती है। ये हमने ट्रिक बनाया था, ये जो निमोनिक्स होते हैं, ये हमें कुछ चीज याद करने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाते हैं, है ना। संजा के निर्गुड़ी भजन से ही बरसात होती है, तो साथ से मैंने आप लोग को क्या बताया था, संजा गीत जो किसके द्वारा गाया जाता है, किशोरियों के द्वारा गाया जाता है ना। फिर हमने बताया था ना, सिर्फ निर्गुड़ी गायन भी यहीं पे चलता है, जो कबीर संत के द्वारा उनके गायन गाए जाते हैं, जो उन्होंने लिखा है उसके गायन गाए जाते हैं। उसके बाद मैंने बताया था भाष्य पे एक दो भोपे लिखना है, और भरथरी, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नाथ संप्रदाय के द्वारा गाया जाता है, ठीक है।
इसके बाद हमने बताया था ही से हीर गायन है ना, हीर जो यादव या अहीर, अहीर जो होती है उनके द्वारा गाया जाता है। और बरसाती तो मैंने आपको बताया था जो कि बरसात में गाया जाता है। क्लियर? तो आपको बस एक ही याद रखना है, संजा मालवा में होता है, निर्गुड़ी मालवा में होता है, भोपे और भरथरी कहाँ पे होता है, मालवा में होता है, हीर कहाँ पे होता है, बरसात कहाँ पे होता है, मालवा में होता है। क्लियर? इसके बाद जो अगला था हमारा निमाड़, निमाड़ का हमने क्या ट्रिक बनाया था, फाक करते हैं, ठीक है, क्या बनाया था, निमाड़ के लोग, निमाड़ के लोग कसीनो, कसीनो में फाक करते हैं, क्या करते हैं, फाक करते हैं। फाक तो बहुत कॉमन है, ये आपको बुंदेलखंड में भी देखने मिलेगा, निमाड़ में भी देखने मिलेगा और बघेलखंड में भी देखने मिलेगा, ठीक है, ये तीन चार जगह मनाया जाता है। तो यहां से निमाड़ में समझ में आ गया, निमाड़ में कौन कौन से होते हैं, कासे मैंने बताया था, कलगी तुर्रा, ठीक है, कलगी तुर्रा, इसमें अखाड़ा होता है ना और उसका जो हेड होते हैं उनको हम उस्ताद कहते हैं। कलगी तुर्रा से सा से बताया था सिंगा जी, बताया था सिंगा जी, संत सिंगा जी बोल लीजिए, सिंगा जी बोल लीजिए, ठीक है। उसके बाद ना से बताया था नाथ संप्रदाय, और एक और क्या बताया था, निर्गुड़िया गायन बताया था। उसके बाद बताया था माँ से मसाणिया, और माँ आ रहा है तो मतलब एक हाँ मृत्यु पे गाया जाता है, मसाण्या मतलब माँ आ रहा मतलब काय में जाता है, डेथ में, मृत्यु में गाया जाता है। इसके बाद फा से मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, फाग, और गा से क्या बताया था, गरवा गरवी, गरवा गरवी बताया था ना, हाँ गरवा गरवी, और एक गा से और लिख लीजिए गलबन, है ना, एक और गा से यहां पे ऐड कर लीजिए गलबन, गलबन ये भी एक होता है, वहां पे ऐड कर लीजिए। तो हमने दूसरी ट्रिक देखा था निमाड़ की, कि निमाड़ के लोग कसीनो में फाक करते हैं, निमाड़ के लोग कसीनो में फाक करते हैं। तो कलगी तुर्रा यहाँ का लोक गायन है, क्वेश्चन आ जाता है कि कलगी तुर्रा क्या है, तो आपको बताना है क्या है, ये एक फोल्क गायन है, मतलब एक फोल्क सॉन्ग है, ठीक है। तो कलगी तुर्रा, सिंगा जी, नाथ संप्रदाय या निर्गुड़िया गायन, माँ से है मसाण्या जो कि मृत्यु पे गाया जाता है, और फा से है फाग, और गा से है तीन, गरवा गरवी और गलवन। क्लियर? ये होते हैं निमाड़ के लोक गायन, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था बुंदेलखंड, बुंदेलखंड क्या था, बाबू राय, बाबू राय हरदेव चौक पर, हरदेव चौक पर जागा आया, जागा आया, हमने इसकी ट्रिक बनाई थी, बाबू राय हरदेव चौक पर जागा आया। बात से था मैंने बताया था बाबुलिया, बताया था ना बाबुलिया, और इसी को एक और क्या नाम जाना जाता है, भोला गीत, बताया था ना भोला गीत, बाबुलिया, ठीक है। हाँ दूसरा मैंने बताया था लम्हरेटा भी कहा जाता है ना, उस वो भी कहते हैं, इसके अलग अनेक नाम है। फिर रा से बताया था बैराइटा, हा से बताया था हरदौल की वनौती, बताया था दे से बताया था देवरी, अहीर जनजाति द्वारा किया जाता है दिवाली के समय। फिर मैंने बताया था जा से क्या बताया था, जगदेव का पुवारा बताया था ना, और उसके बाद आ से बताया था आला उदल, ठीक है। क्लियर? तो ये जो गायन होगा ये कहाँ पे गाए जाते हैं, बुंदेलखंड में। कोट क्या है, बाबू राय हरदेव चौक पर जागा आया, बबुलिया, बैराइटा, हरदौल की मनुती, देवरी, और देवरी के बाद जयदेव की पुवारा, और एक और क्या बता दिया, आला उदल, हमने सब पढ़ चुका है, ठीक है। इसके बाद एक और हमारा बसता है बघेलखंड, बघेलखंड वाला क्षेत्र जो मध्य प्रदेश का, आप कौन सा क्षेत्र देखोगे, पूर्वी या ईस्टर्न क्षेत्र देखोगे, वहां पे आपको उस क्षेत्र को हम बघेलखंड कहेंगे। अब यहाँ के जो लोक गायन होंगे, अब आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ पे जो जो ट्राइब पाई जाती है, मतलब गौड़ पाई जाती है, भील पाई जाती है, उन्हीं के द्वारा काफी परफॉर्म किया जाएगा। कोल ट्राइब्स ये सब हमारे पूर्वी भाग में पढ़ाती है ना, आप लोगों को सब पढ़ा चुका है, वहां पे आपको देखने मिलेगी, तो वहां पे होगा। तो मैंने इसमें क्या बताया था कि बघेलिन माली, बघेलिन माली विदेश में, विदेश में बसा तो, विदेश में बसा तो उसकी पत्नी विरह हो गई, क्या हो गई, विरह हो गई,
ठीक है। तो इससे आपको याद रखना है, एक तो है विदेशिया, क्या है विदेशिया, दूसरा मैंने बताया था बसदेवा। ये बसदेवा हर हर बोले जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। बांस ये आपको याद रखना है, बांस ये महिलाओं द्वारा किया जाता है बांस, ठीक है। और बांस याद रखना है विरा, एक है विरा, विरा गायन भी होता है, ठीक है। और ये सा से याद रखिए सीदेव, सीदेव, क्लियर। और इसके बाद मैंने आपको बताया था दो आपको अलग से याद रखना है, पडवानी और होटुल पाटा। ये गोंड, गोंड ट्राइब और मुड़िया ट्राइब के द्वारा मृत्यु पर गाया जाता है राजा जलोंग की याद पर, बताया था ना, बताया था कि नहीं बताया था। तो ये कुछ हो गए हमारे कहां पर, बघेलखंड में, जो हमारा बघेलखंड एरिया है वहां पर ये वाले लोक गायन गाए जाते हैं। बघेलिन माली विदेश में बसा तो उसकी पत्नी विरा हो गई। तो विदेशिया, बसदेवा, बांस, सीदेव, पडवानी, विरा या घोटुल पाटा, ये मृत्यु के समय गाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक है। और किसके, राजा जलोंग से संबंधित है। और कौन कौन सा, गोंड और मुड़िया, सब पढ़ चुके हैं हमने। और पडवानी मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ में तीजन बाई के द्वारा भी एक नृत्य भी है, मतलब लोक नृत्य भी है, सब हमने पढ़ चुका था। तो ये हमारे लोक गायन कंप्लीट हो गए थे, क्लियर। चलिए अब इसके बाद हमें क्या देखना है, अगला टॉपिक लोक नृत्य। चलिए चलिए अब हमें पढ़ना है लोक नृत्य, इसको इंपॉर्टेंट करके लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है लोक नृत्य। इसे बोला जाता है फोल्क डांस, फोल्क डांस, है ना। अब लोक नृत्य देखना हमें, तो इस पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है कौन कौन सी ट्राइब के द्वारा कौन कौन से लोक नृत्य ये फोल्क डांस किए जाते हैं, ठीक है। कोई बताएगा मध्य प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, मैंने आपको बताया था राई, और राई कहां फेमस है, बुंदेलखंड में, ठीक है। और लोक नाट्य अगर पूछेगा तो आपको मां से माच मालवा में जाना है। मैंने एक मात्रा करके बताया था आपको कि लोक नृत्य आ रहा है, तो ये जब नृत्य आ रहा है तो राई लिखेंगे हम, तो उस पर भी एक मात्रा आती है, बताया था ना, राई लिखते हैं तो ये मात्रा आ रही है, तो मात्रा आ रही है मतलब लोक नृत्य में आ रही है। तो अपन ने इसे याद रख लेंगे कि मध्य प्रदेश का जो लोक नृत्य है फोल्क डांस है वो कौन सा है, राई है, जो कि बुंदेलखंड में भी मात्रा आ रही है तो बुंदेलखंड का है, ठीक है। और माच जो है वो क्या है, लोक नाट्य है, मतलब फोल्क ड्रामा है, और वो कहां से फेमस है, माच मतलब मां से मालवा में, क्लियर। चलिए अब हमें फिर वही पढ़ना है, हमारे यहाँ के जो फेमस फोल्क डांस है वो चार जगह फेमस है। एक कहां पे फेमस है, मालवा के, जो मालवा रीजन है वहां का फेमस है, देखना है यहाँ पे कौन कौन से होते हैं। एक हमें देखना है कहां पे, निमाड़ के, है ना। तीसरा हमें देखना है कहां पे, बुंदेलखंड के, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि मतलब जैसे मटकी है, मटकी कहां पे है, किस क्षेत्र का एक लोक नृत्य है, तो आपको बताना है कहां का, मालवा का। फिर अपन उसके अंदर का पढ़ेंगे, पहले एक बार ये आप एक ओवरव्यू बना लीजिए अपने माइंड में, तो उसे थोड़ा याद हो जाएगा। और चौथा है बघेलखंड, तो मालवा के कुछ जो बहुत फेमस है वो कौन सा है, पहले लिखिए रजवाड़ी, रजवाड़ी, ये मालवा का बहुत फेमस लोक नृत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से याद रखिए क्योंकि यहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। रजवाड़ी, डंडा नाच, मटकी, आड़ा खाड़ा, ये चार आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मटकी को, तो बहुत अच्छे से याद रख सकते हो आप कि मटकी कहां का लोक नृत्य है, माच में कंफ्यूज नहीं हो, ये बार बार बता रहा हूं, माच एक लोक नाट्य है, ड्रामा है, मगर जो नृत्य है, नृत्य किया जो जाता है
रजवाड़ी, डंडा नाच, मटकी और आड़ा खाड़ा, ये कहां पे देखने मिलेगा आपको? मालवा अंचल में देखने मिलेगा, है ना, समझ में आया? रजवाड़ी, डंडा नाच, मटकी और आड़ा खाड़ा, समझ में आ रहा है? एक बार बोलिए मेरे साथ, रजवाड़ी, डंडा नाच, मटकी और आड़ा खाड़ा, ये मालवा के हैं। अब हम निमाड़ में पहुंचते हैं, तो निमाड़ के कौन कौन से हैं बताइए? सबसे इंपॉर्टेंट है काठी, गड़गौड़, फड़िया, माडल्या, और यहां पे एक और इन्हीं के जैसे कॉमन होता है, डंडा नाच और आड़ा खाड़ा। आड़ा ये आप लोग को ये चार याद रखना है, बाकी तो कॉमन है, ठीक है? काठी, गड़गौड़, फिफड़िया, मंडलिया और डंडा नाच और आड़ा खाड़ा, ये कहां पे देखने मिलेंगे आपको? निमाड़ में। और मैंने आपको बताया था कि यहां पे एक और देखने मिलेगा, गरवा गरवी, गरवा गरवी, ये लोक गायन भी है और लोक नृत्य भी है। और एक और अभी अपन ने पढ़ा है गलवान, ये भी कहां देखने मिलेगा? निमाड़ में। मगर इंपॉर्टेंट क्या है हमारा? काठी, गड़गौड़, फिफड़िया और मांडल्या, ये चार से बहुत क्वेश्चन आते हैं, अपन ये इसके अंदर के बारे में भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है? तो काठी कहाँ का है? निमाड़ का है। गड़गौड़, फिफड़िया, मांडल्या, डंडा नाच, आड़ा खाड़ा, गरबा गरबी और गलवान, ठीक है? ये कहाँ पे देखने मिलेंगे आपको? निमाड़ में ये लोक नृत्य फेमस है। इसके बाद बुंदेलखंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी सब टॉपिकों में सबसे इंपॉर्टेंट लोक नृत्य, और उसके बाद भी जो आता है बुंदेलखंड के लोक नृत्य बहुत फेमस है। देखिए कौन कौन से, सबसे पहले लिखिए राई, राई, बधाई, कनाडा नृत्य, कनाडा नृत्य, ये धोबी ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कनाडा नृत्य किनके द्वारा किया जाता है, तो एक जो धोबी होती है ना, धोबियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है? सीधे क्वेश्चन आता है, थिमरिया, ये थिमराई लिख लीजिए, थिमराई, ये कास्ट होती है ढीमर, जो मछली पकड़ते हैं उनको ढीमर बोला जाता है, उनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। राई, बधाई, कनाडा, थिमराई और ना, एक हो गया राई जो बुंदेलखंड है ना, बुंदेलखंड का है, बधाई, कनाडा, थिमराई और बताइए और कौन सा नृत्य होता है? ना इतना ही है जो फेमस है, वो इतना ही है, ठीक है? राई, बधाई, कनाडा और ठिमराई, ठीक है? इसके बाद बघेलखंड में देखिए, बघेलखंड में तो मतलब जितनी भी गौड़ जनजाति की आपको ट्राइब देखने मिलेगी सब यही, यहां लिखते जाइए, परधोनी, परधोनी यहां पे देखने मिलेगा, है ना? और चटकूरा नृत्य देखने मिलेगा कोरकू जनजाति के द्वारा, ठीक है? सरहुल नृत्य देखने मिलेगा उराव जनजाति के द्वारा, ठीक है? ये कुछ नृत्य है ना, अपन इनके बारे में अंदर पढ़ना है, ठीक है? यहाँ पे ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट आता है यहां से, और यहां से परधोनी आता है, ये किस ट्राइब के द्वारा किया जाता है? चटकोरा बोला बताया था ना, कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है, सरहुल पूछा जाता है और राव जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है? परधोनी किया जाता है, ये बारात के आगमन के समय कर किया जाता है, गोंड और बेंगा दोनों में कॉमन है, ठीक है? यहां से डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आते हैं, क्लियर? आपको याद रखना है रजवाड़ी, डंडा नाच, मटकी, आड़ा खाड़ा कहाँ के है? मालवा के है। रजवाड़ी, डंडा नाच, मटकी और आड़ा खाड़ा कहाँ के है? मालवा के है। काठी, गड़गौड़, फिफड़िया, मांडल्या, डंडा नाच, आड़ा खाड़ा, गरबा गरबी, गलवान कहाँ के है? निमाड़ी के है। उसके बाद हम बुंदेलखंड में आएंगे, तो यहाँ पे राई आपको देखने मिलेगा, बधाई आपको देखने मिलेगा, कनाडा आपको देखने मिलेगा,
फिमराई आपको यहाँ देखने मिलेगा, और सीधे पूछता है किस जनजाति से संबंधित है। एक और यहाँ पे आप लिख सकते हो एक बिनैकी नृत्य, बिनैकी नृत्य भोपाल में किसानों द्वारा किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिखवा रहा हूँ वैसे उसको। और उसके बाद हम बघेलखंड में देखते हैं, तो बघेलखंड में आपको बस सीधे बस याद रखना है कि जो गौंड ट्राइब है, भील ट्राइब है, जो उल्लोक करते हैं, मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, जो वो करते हैं ना वही बघेलखंड के क्या मुख्य लोक नृत्य है। ठीक है, क्लियर, उनको लिख लीजिए। बबुलिया क्या है? लोक गायन है। बबुलिया क्या है? लोक गायन है, याद रखिए, है ना। और मामूलिया अगर पूछेगा वो लोक गायन है तो बुंदेलखंड का है, और मामूलिया चित्रकला है तो वो भी कहां की है? बुंदेलखंड की है। क्लियर, एक विरा नृत्य भी लिख सकते हैं आप, विरा, विरा नृत्य भी होता है, विरा। और भी अभी मैं आपको बता दूंगा, हमारे ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनका नाम जरूर याद रखिए, सीधे पूछता है निमाड़ का कौन सा है, ठीक है, मालवा का कौन सा होता है, बुंदेलखंड का कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है, ठीक है, बघेलखंड का कौन सा होता है। क्लियर, चलिए हो गया। अब एक मैप बनाइए, मैं एक पहली बात आपको एक इसके अंदर में पहले पढ़ेंगे, पहले मैं आपको एक जनजाति द्वारा बता दूं आपको कौन कौन से नृत्य होते हैं, थोड़ा सा मैप बनाइए, बड़ा ही बनाइए थोड़ा। ठीक है, यहां पे लिखिए, यहाँ पे भोपाल में एक नृत्य होता है और बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ये क्या है? भोपाल है, ठीक है, भोपाल। ये ट्राइब्स के द्वारा किए गए नृत्य के बारे में बता रहा हूं आपको मैं। तो भोपाल में एक नृत्य होता है जिसका नाम है बिनैकी, बिनैकी, और ये वहां के किसानों द्वारा किया जाता है, वहां के किसानों द्वारा किया जाता है, किसानों द्वारा। क्लियर, इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है आपको ये मध्य भारत का क्षेत्र दिखने मिलेगा, और इस मध्य भारत क्षेत्र में ये वाला जो एरिया है मध्य भारत कहलाता है ना, सेंट्रल हाईलैंड, तो जो मध्य भारत का क्षेत्र है ये मध्य भारत का पठार है, सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पे दो ट्राइब्स पाई जाती है, एक कौन सी? सहरिया और बंजारा। तो सहरिया और बंजारा के द्वारा भी कुछ लोक नृत्य किए जाते हैं, जिसपे क्वेश्चन आता है। यहाँ पे दो ट्राइब्स पाई जाती है, एक पाई जाती है सहरिया और एक पाई जाती है बंजारा। ये बिनैकी नृत्य है, ठीक है, और कहाँ किया जाता है? भोपाल में, और किसके द्वारा किया जाता है? किसानों द्वारा। अब यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे एक ट्राइब पाई जाती है जिसका नाम है बंजारा, और बंजारा ट्राइब्स दो प्रकार के नृत्य करती है, और वो नृत्य का नाम क्या है? एक है तलवार नृत्य, लिखते जाइए तलवार नृत्य, और एक और कौन सा नृत्य करती है? डंडा तेली, डंडा तेली नृत्य, डंडा तेली नृत्य। ये बंजारा ट्राइब, बंजारा जनजाति के द्वारा किया जाता है, जो कि मध्य भारत में पाई जाती है ना। कौन कौन सी? डंडा तेली और तलवार नृत्य। आप इसको ता से भी याद रख सकते हैं ट्रिक से, कि जो बंजारा जनजाति होती है, मैं बताया इन्होंने कंघी एक कोम्ब का आविष्कार किया था, है ना, बहुत खूबसूरत होती है ये, राजस्थान साइड पाई जाती है, बताया था ना इनको सिंगार बहुत प्रिय होता है, सब पढ़े हैं हमने। तो बंजारा जो ट्राइब्स होती है इनके नृत्य की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि जनजाति से आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। डायरेक्ट पूछता है कि बंजारा का कौन सा लोक नृत्य है, तो आप बता सकते हो तलवार और डंडा तेली नृत्य। तो डंडा तेली नृत्य और तलवार नृत्य बंजारा जनजाति द्वारा किया जाता है। और इसी के पास पाई जाती है कौन सी? सहरिया। तो सहरिया की भी कुछ डांस फेमस है, सहरिया ट्राइब्स जो कुपोषण के लिए जानी जाती है, और इनके द्वारा भी कुछ नृत्य किए जाते हैं, और इस नृत्य होते हैं, ये तीन प्रकार के नृत्य करते हैं, है ना, तीन प्रकार के कौन कौन से नृत्य करते हैं, मैंने आपको बताया भी था, ये कौन कौन सा बताइए? दुल दुल घोड़ी, दुल दुल
घोड़ी, लहंगी, लहंगी और रागनी। रागनी ये तीन सीधे पूछता है, सहरिया ट्राइब से सहरिया जनजाति जो हमारे मध्य भारत के क्षेत्र में पाई जाती है, उनके द्वारा जो नृत्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? दुलदुल, घोड़ी, लहंगी और रागनी। ठीक है, इसके बाद यहां पे लिखिए, अभी इसको इसको रहने दीजिए। एक यहां पे लिखिए कोरकू। कोरकू कहां पे पाई जाती है? मैंने बताया था होशंगाबाद, यहां करीब है हमारा कहीं होशंगाबाद। इसका नया नाम चेंज करके रख दिया गया है नर्मदापुरम, है ना? तो यहां पे होशंगाबाद, इसका नया नाम चेंज करके रख दिया गया है नर्मदापुरम। और नर्मदापुरम में एक कास्ट, एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है कोरकू। ठीक है, कौन सी पाई जाती है? कोरकू। अभी कोरकू पाई जाती है तो इनके द्वारा भी कुछ नृत्य किए जाते हैं। कौन से नृत्य किए जाते हैं? मैंने आपको बताया था कोरकू सबसे इंपॉर्टेंट है, चटकोरा। चटकोरा, और चटकोरा में मैंने आपको बताया था कि यहां पे बस क्या करिए आप, का बना दीजिए। क्या बना दीजिए? का बना दीजिए, तो पता चल जाएगा किसका नृत्य है, कोरकू का। बताया था ना, तो चटकोरा नृत्य आपको लिखना है। चटकोरा नृत्य, और कौन सा बताया था? थापटी, ढाडल। चटकोरा, थापटी और ढाडल, है ना? ढाडल है ये, ढा। इनके द्वारा किया जाता है कोरकू जनजाति द्वारा, चटकोरा, थापटी और ढाडल। क्लियर है ना? एक और आप देखोगे, छिंदवाड़ा जो पड़ता है हमारा, छिंदवाड़ा में भी एक जनजाति रहती है जिसका नाम है भारिया। और भारिया के भी कुछ फेमस लोक नृत्य है, कौन से हैं कोई बताएगा? ये है हमारा छिंदवाड़ा, यहाँ पे छिंदवाड़ा। और छिंदवाड़ा में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है भारिया, जिन्हें जंगलियों का जंगली भी कहा गया था 1981 में, मैंने पढ़ाया था। तो भारिया के द्वारा भी कुछ नृत्य होते हैं जिसका नाम है, लिखिए, भेथम, तेतम, अहिराई, पडवानी, भड़म। कि कुछ नृत्य किए जाते हैं किसको? भारिया जनजाति के द्वारा, है ना? आ रहा है समझ में आप लोग को? एक मैंने आपको अभी बताया, एक ट्राइब पाई जाती है कहां पे? बुंदेलखंड में, जिसे बोला जाता है कनाडा नृत्य। ये धोबी, धोबियों के द्वारा किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यहां पे, अगर हम देखेंगे ना, तो यहां पे लिखिए, मतलब ये क्षेत्र जो है क्या है? बुंदेलखंड का है ना? तो उसको यहां पे बना लीजिए, थोड़ा सा आगे कर लीजिए इसको, और क्योंकि तो यहाँ पे बहुत सारे नृत्य हैं, ये समझ लीजिए बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है ना। बुंदेलखंड में कुछ नृत्य होते हैं, बुंदेलखंड में कुछ नृत्य होते हैं। और बुंदेलखंड में अगर हमने नृत्य देखेंगे तो कौन सा? राई, सबसे इंपॉर्टेंट राई। ये मध्य प्रदेश का क्या है? लोक नृत्य है, लिख लीजिए, एमपी का लोक नृत्य है। दूसरा मैंने आपको बताया कनाडा, कनाडा ये धोबियों के द्वारा होता है, धोबियों के द्वारा। ठीक है, धोबियों द्वारा पूछा गया है, धोबियों या किसानों द्वारा। ठीक है, और कौन सा बताया था मैंने आपको? बधाई, बधाई भी फेमस है। और कौन सा बताया था? ठिमराई, ये ढीमर, ढीमर के द्वारा किया जाता है, ढीमर, इनके द्वारा किया जाता है, ढीमर के द्वारा। क्लियर, और कौन से नृत्य फेमस है बुंदेलखंड में?
है ना, ठीक है। चलिए बुंदेलखंड हो गया, और कौन सा बच गया अभी? अच्छा गोंड, गोंड ट्राइब का बचा है ना, है ना। एक सेकंड पानी पी लें। चलिए कहां पे रागनी, रागनी कौन सी सहरिया ट्राइब के द्वारा किया जाता है ना। देखिए बुंदेलखंड में और कौन से, एक तो राई हो गया, एक कनाडा हो गया, ये धोबियों के द्वारा किया जाता है, एक बधाई नृत्य हो गया, एक ठिमराई हो गया, है ना। यहां पे एक नौटंकी भी देखने मिलेगा आपको, नौटंकी सहरा, सहरा नृत्य भी यहां पे देखने मिलेगा, ठीक है। चलिए अच्छा यहां पे एक और ऐड कर लीजिए, इनके द्वारा किया जाता है, एक और ऐड कर लीजिए यहां पे, कोरकू जनजाति के द्वारा खंब स्वांग, खंब, खंब स्वांग, खंब स्वांग, है ना, खंब स्वांग याद रखिए। और यहां पे ऐड करिए बुंदेलखंड में स्वांग किया जाता है, बुंदेलखंड में कौन सा किया जाता है, स्वांग, समझ में आ रहा है। यहां पे एक और ऐड कर लीजिए स्वांग, यहां पे खंब स्वांग किसका है, कोरकू का है, कहा किसका है, कोरकू का है, समझ में आ रहा है ना। कोरकू के चार नृत्य है, चटकोरा, थापटी, डाडल और खंब स्वांग, और स्वांग बस पूछे तो आपको कहां चले जाना है, बुंदेलखंड, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक जगह बची नहीं है, यहाँ पे एक ट्राइब पाई जाती है जिसका नाम है गोंड, है ना। गोंडो द्वारा होता है, कौन सा नृत्य होता है, ये गोंड ट्राइब द्वारा, गोंड ट्राइब द्वारा कौन सा होता है, तो गेंडी, गोचो, गेंडी गोचो, ठीक है, गेंडी गोचो याद रखिए, किसके द्वारा होता है, क्या गोंड, ये पूर्वी क्षेत्र मतलब मंडला बालाघाट वाला जो क्षेत्र है ना, बघेलखंड में ही पाए जाते हैं, है ना। हाँ तो गोंड जो ट्राइब होती है उनके द्वारा गेंडी और गोचो नृत्य किया जाता है, क्लियर। अब भील लिखिए, भील, है ना, जगह बची नहीं है, एक यहां पे लिखिए, भील को मैंने यहां पे बना दे रहा हूं, भील, भील द्वारा भी कुछ नृत्य किए जाते हैं, है ना, वो नृत्य लिखिए, समझ में आ रहा है ना। लिखिए तोड़ा, पड़वा, कहरवा, धांगला, ये भीलों द्वारा किया जाता है, इसके द्वारा, भीलों द्वारा। निमाड़ को और लिख लीजिए, बैगा ट्राइब का मैं अलग से लिखवा दूंगा, क्योंकि मैप मैप क्या जगह बची नहीं है ना, हाँ ढांगला है, तोड़ा, पड़वा, कहरवा, ढांगला, जो रिमेनिंग अब कास्ट रिमेनिंग जनजाति द्वारा होता है तो मैं उसको सिर्फ लिखवा दूंगा ना। भील जो ट्राइब है उसके द्वारा क्या, तोड़ा, पड़वा, कहरवा और ढांगला। आपको पता होगा तोड़िया करके जो एक नृत्य होता है वो कहां का, गुजरात का फेमस है, तो लगा हुआ एरिया है, ठीक है, तोड़ा, पड़वा, कहरवा और ढांगला, है ना। एक और लिख लीजिए यहां पे निमाड़, निमाड़ का तो अपन ने पढ़ा है, कौन कौन सा बताइए, निमाड़ में भी मैंने बताया ना कौन कौन से प्रसिद्ध हैं। एक लिख लीजिए काठी, गड़गौण, पेफड़िया और मांडल्या,
और गरबा गरबी आपको तो लिखवा चुका हूं, और गलवन ये कहां का फेमस है, निमाड़ क्षेत्र का फेमस है, है ना। ये देखिए जिस ट्राइब के द्वारा किया जाता है तो मैं उस ट्राइब को आपको पर्टिकुलर मेंशन कर दिया हूं, और जहां पे जिस क्षेत्र में भी पूछ लेता है तो वहां का मैंने आपको सीधे लिख दिया, वहां पे वो किसी ट्राइब के द्वारा नहीं किया जाता। अभी इसके अंदर में अपन और पढ़ेंगे, है ना, उसमें क्या क्या किया जाता है, क्या क्या परफॉर्मेंस होते हैं, पर जहां से ट्राइब से क्वेश्चन बनता है मैं उसको आपके पास डायरेक्ट लिख दिया हूं, है ना। अब कुछ और ट्राइब बच गई है, वो हमारे मैप में जगह नहीं है तो उसको हम सीधे लिख लेते हैं ना। आ रहा है आप लोग को समझ में, इतना समझ में आया कि अगर भारिया ट्राइब के द्वारा पूछ ले जो छिंदवाड़ा में पाई जाती है उनकी नाम भेड़म, सितम, अहिराई, पडवाली और भड़म किया जाता है, क्लियर। बुंदेलखंड के कुछ लोक नृत्य फेमस है, राई, कनाडा, बधाई, ठिमराई, नौटंकी, सैरा और स्वांग। कोरकू द्वारा किया जाता है चटकोरा, थापटी, ढाडल और खम्भ स्वांग। एक भोपाल में एक बिनैकी नृत्य होता है, बहुत इंपॉर्टेंट करके लिखिए, क्वेश्चन आया चुका है, किसानों द्वारा किया जाता है। इसके बाद हमने पहुंचे सहरिया ट्राइब के द्वारा, तो दुलदुल घोड़ी, लहंगी, रागनी और बंजारा के द्वारा होता है तलवार नृत्य और डंडा तेली नृत्य, है ना। इसके बाद हमने देखा भील जनजाति जो होती है उनके द्वारा तोड़ा, पडवा, कहरवा, ढांडला और निमाड़ के द्वारा, निमाड़ी में किया जाता है काठी, गड़गौड़, फिफड़िया और मांडल्या, और मालवा के तो मैंने आपको लिखवा चुका है मटकी, रजवाड़ी, आड़ा खाड़ा और डंडा नाच, क्लियर। चलिए और बघेलखंड का भी लिखवा दिया है। अब कुछ ट्राइब है जो बच गई है, जैसे बैगा, बैगा के कौन से नृत्य है, है ना, और उसका लिखवा दिया क्या, उर्राव जनजाति का नहीं लिखवाया ना, है ना, उर्राव का भी लिखवाना है, ठीक है। चलिए तो इसको इस पे लिख लीजिए, सबसे पहले बैगा का लिखिए क्योंकि बैगा और गौंड जनजाति में बहुत से नृत्य कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैगा के नृत्य लिखिए, बैगा और गौंड जनजाति में ये कॉमन रहते हैं, बैगा और गौंड जनजाति में, है ना। सबसे पहले इस पे लिखिए कर्मा, कैला, कर्मा, सैला और सुआ, ये नृत्य है, ठीक है, और ये बैगा और गौंड में आपको कॉमन देखने मिलेंगे, है ना। अगला लिखिए देखिए, एक तो है कर्मा, सैला और सुआ, ये बैगा और गौंड दोनों में कॉमन है, कर्मा, सैला और सुआ। कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है, मैंने आपको बताया था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज है, है ना, कर्मा, सैला, सुआ। अगला लिखिए, इसको ट्रिक से याद रखिए कि सजनी दीवानी हुई, सजनी दीवानी हुई तो ऐठल भड़म विरह की याद में, सजनी दीवानी हुई तो ऐठल भड़म विरह की याद में, मतलब इससे कौन सा नृत्य आता है, सजनी दीवानी, सजनी दीवानी, ये भी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, बैगा और गौंड के द्वारा, ठीक है। इसके बाद भड़म नृत्य भी किसके द्वारा किया जाता है,
बैगा और गोंड ट्राइब के द्वारा, और विरहा नृत्य भी किसके द्वारा किया जाता है, बैगा और गोंड, ऐसा कर लीजिए ठीक है, एक कर्मा नृत्य हो गया, एक सैला नृत्य हो गया और एक सुआ ठीक है। उसके बाद सजनी दीवानी हुई तो ऐठल भड़म विरा की याद में, तो सजनी दीवानी भी किसके द्वारा किया जाता है, बैगा और गोंड। भड़म नृत्य भी, भड़म मैंने आपको किसको बताया, एक भारिया जनजाति के द्वारा भी किया जाता है, समझ में आ रहा है, वो भी क्या होते हैं, गोंड की एक शाखा है, बताया था ना, तो नृत्य कॉमन मिलेंगे। और बैगा में आपको क्यों नृत्य कॉमन मिल रहा है, क्योंकि बहुत पहले जो बैगा थी वो गोंड की एक कहीं ना कहीं उसी की कोई उपजातियां थी, बाद में ये अलग हो गई तो अब वो बैगा ट्राइब्स कहलाने लगी, तो उसके लिए उनके और इसके नृत्य सेम मिल रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो कर्मा, सैला, सुआ, सजनी दीवानी और भड़म और विरा नृत्य जो देखने मिलते हैं हमें कहां पे देखने मिलते हैं, बैण और बैगा और गौण में। उसके बाद रीना टीना, रीना टीना नृत्य है, रीना नृत्य भी, और रीना और टीना, रीना टीना ने परधोनी, परधोनी मतलब क्या होता है, प्रधान मतलब होता है कपड़े, मतलब रीना टीना कपड़े पहनकर दादा के साथ मतलब दादरिया के साथ बलमा नृत्य करने लगी, कौन सा नृत्य करने लगी, बलमा नृत्य करने लगी। तो बलमा नृत्य भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है, दादरिया नृत्य भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है, परधोनी नृत्य ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना, पूछता है ये बारात की अगवानी के समय होता है, और रीना नृत्य भी होता है और टीना नृत्य भी होता है, ये सब के सब किसके द्वारा किया जाते हैं, बैगा और गौण जनजाति के द्वारा, समझ में आया, याद हुआ, कर्मा, सैला, सुआ, बैगा और गौण जनजाति के द्वारा होता है। सजनी दीवानी मतलब सजनी दीवानी हुई तो ऐठल भड़म विरा की याद में, सजनी दीवानी हुई तो ऐठल भड़म की विरा की याद में, मतलब सजनी दीवानी भी दोनों ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है, भड़म भी बैगा और गोंड ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है, और विरा भी बैगा और गोंड ट्राइब्स की याद में, मैंने बैगा और गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। रीना नृत्य बैगा ट्राइब्स के द्वारा, गोंड नृत्य बैगा और गोंड दोनों के द्वारा। तो रीना ट्रिक क्या है, रीना टीना ने परधोनी पहनकर दादरिया के साथ बलमा नृत्य करने लगी, ठीक है। तो एक हमारा हो गया, तो पूछेगा रीना नृत्य, टीना नृत्य, परधोनी नृत्य, और ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है, बारात के अगवानी के समय किया जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, बारात के अगवानी के समय किया जाता है। ददरिया नृत्य एक ना, और एक है बलमा नृत्य, तो ये याद रखना है आपको, रीना टीना ने परधोनी पहनकर ददरिया के साथ बलमा नृत्य किया, ठीक है, रीना टीना ने परधोनी पहनकर ददरिया के साथ बलमा नृत्य किया। और इसके बाद एक और नृत्य लिख लीजिए जो छूट गया है इनका, वो है कौन सा, बिमला, कौन सा नृत्य, बिमला, ये गोंड और बैगा ट्राइब्स के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कर्मा, सैला, सुआ, सजनी दीवानी हुई तो ऐठल भड़म विरा की याद में, तो सजनी दीवानी, भड़म विरा, और रीना टीना ने परधोनी पहनकर, प्रधान मतलब होता है कपड़े, रीना टीना ने परधोनी पहनकर ददरिया है ना दादा के साथ बलमा नृत्य किया, तो वो भी किसकी है, बैगा और गोंड ट्राइब की, और एक बिमला नृत्य अलग से ऐड कर लीजिए। तो ये हो गया हमारे बैगा और गोंड के द्वारा, ठीक है। ये सब कहाँ पाई जाती है आपको, ये जो मैं इनकी बात कर रहा हूँ सब कहाँ, बघेलखंड के अंदर आते हैं, मतलब अगर कर्मा पूछ ले, सैला पूछ ले, सुआ पूछ ले, सजनी दीवानी पूछ ले, भड़म पूछ ले, विरा पूछ ले, रीना पूछ ले, टीना पूछ ले, फरदौनी, ददरिया, बलमा, ये सब कहाँ के नृत्य हैं, ये बघेलखंड के नृत्य है, क्योंकि वहीं पे पाई जाती है ना ये ट्राइब, क्लियर। अब लिखिए वहीं पे एक और ट्राइब पाई जाती है, गोंड का तो बता दिया, यही गोंड भी पाई जाएगी, तो गोंडो और गैचो लिख लोगे, वो भी कहाँ पाई जाती है, बघेलखंड में, तो गोंडो, गैचो, हाँ ये बैगा और गोंड के द्वारा है, और गोंड जनजाति बस के कारण मैंने बताया था ना अभी पीछे, ये दोनों तो कॉमन है बैगा और गोंड में, मगर गोंड के द्वारा बताया ना, गेंडी, गोचो, ये सिर्फ गोंड करती है, तो ये गा से याद रखने में इजी है, गेंडी, गोचो, क्लियर। और ये आपको पता होगा ये सब पूर्वी क्षेत्र में आ रहा है, मतलब बघेलखंड क्षेत्र में आ रहा है, ये बघेलखंड के, हाँ साथ वाले ये है, साथ वाले ये बताया, बैगा और गोंड के जो कॉमन है वो ये वाले हैं, और सिर्फ गोंड बस जो करते हैं वो कौन से करते हैं, गेंडी और गोचो, क्लियर, वो सिर्फ गोंड बस करते हैं, है ना।
और यहीं पे एक और ट्राइब पाई जाती है जिसका नाम है उर्राव, लिखिए उर्राव। यहीं पे एक और ट्राइब पाई जाती है उर्राव, तो उर्राव के द्वारा होता है सरहुल सरहुल होता है घड़िया नृत्य होता है, सरहुल और घड़िया लिख लीजिए, सरहुल और घड़िया। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरहुल पूछा गया है किसके द्वारा किया जाता है, तो क्या बोलोगे, उर्राव ट्राइब के द्वारा। ये सब लोक नृत्य है भाई, इसलिए हम इनकी बात कर रहे हैं। क्लियर? तो ये हमारी कुछ ट्राइब थी जिनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है ना। और कोई बची क्या? गोंड हो गया, बैगा हो गया, कुरकू हो गया, भारिया हो गया, सहरिया हो गया, बंजारा हो गया। ठीक है, और मैंने आपको मालवा का तो बता ही दिया ना, कि नहीं बताया हूं, मालवा का बता दिया हूं ना, लिख लीजिए यहां पे मालवा का नहीं बताया हूं। तो मालवा में जो नृत्य होते हैं वो कौन कौन से फेमस है बताइए, कौन कौन से है बताइए। एक तो सबसे पहले मटकी, रजवाड़ी, डंडा नाच और आड़ा खाड़ा। और निमाड़ी के बता दिया ना, निमाड़ी के बता दिया हूं। तो ये इतने नृत्य आपको याद रखना है ना। तो मैंने आपकी जो जाति है जिस क्षेत्र में फेमस है वहां से पूछेगा, वो भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, और किस ट्राइब द्वारा किया जाता है वो भी आपको बन जाएगा। क्लियर? और मध्य भारत की भी बता दिया मैंने, बंजारा और सहरिया के द्वारा भी। क्लियर? चलिए तो एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। हाँ लिख लीजिए, हो गया। एक यहां पे और एक ऐड कर सकते हो आप, एक यहां पे पनिहारी भी कर सकते हैं आप ऐड, निमाड़ में ही एक और है पनिहारी, पनिहारी, पनिहारी के दो, पनिहारी में आप ये याद रखिए, छत्तीसगढ़ में इसी को क्या बोला जाता है, पडवानी, पडवानी बोला जाता है छत्तीसगढ़ में, और राजस्थान में इसको बोला जाता है पनघट, पनघट ये राजस्थान में बोला जाता है। ठीक है, इसको और ऐड कर लीजिए। पनिहारी नृत्य भी कहां फेमस है, निमाड़ी में, पर उसके पनघट उसी को राजस्थान में बोला जाता है, और पडवानी कहां बोला जाता है, छत्तीसगढ़ में। क्लियर? चलिए एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं ना। चलिए तो हाँ, यहां से देख लीजिए, मैंने आपको लोक नृत्य बता रहा था, और लोक नृत्य क्या है, कुछ क्षेत्र में अगर आपसे पूछेगा कि रजवाड़ी कहां पे है, डंडा नाच कहां पे आता है, मटकी कहां पे आता है, आड़ा खाड़ा कहां पे आता है, तो आपको सब जाना है मालवा। और मटकी से याद रखिए कि मटकी माँ से मालवा, और जबकि माच अगर आएगा तो वो एक लोकनाट है, ड्रामा है, याद रखिए डिफरेंस है। ठीक है, तो रजवाड़ी, डंडा नाच, मटकी और आड़ा खाड़ा कहां पे मिलता है, मालवा में। इसके बाद हम निमाड़ क्षेत्र में आए, मालवा के नीचे ही है, और मैंने बताया ये एरिया सब लगे रहते हैं, तो कुछ डांस यहाँ पे कॉमन मिलेंगे आपको, जैसे आड़ा खाड़ा, डंडा नाच,
जो मालवा के साथ शेयर हो रहा है, ठीक है। तो काठी इंपॉर्टेंट है, जो बता रहा हूं आपको, काठी इंपॉर्टेंट है। काठी को याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है काठी किस क्षेत्र में मनाया जाता है, निमाड़। यहां से आपको याद रखना है मटकी है ना, रजवाड़ी कहां पे, मालवा के क्षेत्र में मनाया जाता है, क्लियर। अच्छा, ये किसी पर्टिकुलर ट्राइब्स के द्वारा नहीं मनाया जा रहा है, ये उस क्षेत्र में फेमस है, वहां जो जो लोग रहते हैं वो इस डांस को करते हैं। ट्राइब्स के द्वारा तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद यहां पे इंपॉर्टेंट है काठी, गड़गौन, फड़िया और मांडलिया कहां फेमस है, निमाड़ में। और इसके बाद डंडा नाच, आड़ा खाड़ा, गरबा गरबी और गलवान तो यहां की भी नृत्य है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है, बाकी कुछ कॉमन है मालवा के साथ, क्लियर। इसके बाद बुंदेलखंड का आएंगे, तो बुंदेलखंड में राई तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। बधाई भी बहुत फेमस है, बा से बा याद रख सकते हो आप। कनाडा मैंने बताया किसको, धोबियों द्वारा, और ठिमराई किसके द्वारा, ढीमर के द्वारा। और ये चारों के चारों कहां फेमस है, एक नौटंकी भी है, पर नौटंकी किसी ट्राइब्स के द्वारा नहीं किया जाता इसलिए उसको नहीं बताया, ठीक है। नौटंकी है, सैरा अपन ने पढ़ा है ना, ये सब स्वांग कहां के फेमस है, ये बुंदेलखंड के। इसके बाद मैंने बघेलखंड बताया आपको, तो परधौनी, परधौनी समझ गए ना, ये बैगा और गोंड के द्वारा होता है और बारात की अगवानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। चटकोरा कोरकू द्वारा, सरहुल किसके द्वारा, उराव के द्वारा, और विराह नृत्य भी यहाँ पे बहुत फेमस है बघेलखंड में, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि हमारे जो मध्य भारत के क्षेत्र है वहां पे दो प्रकार की ट्राइब्स पाई जाती है, एक तो शहरिया जो अति पिछड़ी जनजातियों में से और पिछड़ी जनजाति है, पढ़े थे ना, तो शहरिया तीन प्रकार का डांस करती है, दुलदुल घोड़ी, लहंगी और रागनी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है किस ट्राइब्स के द्वारा दुलदुल घोड़ी, लहंगी और रागनी किया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, शहरिया है ना, ये कुपोषण के लिए भी बहुत फेमस है ये जनजाति। और शहरिया इनके घर का नाम सासे सहराना कहा जाता है, और ये मध्य भारत में पाई जाती है और भिंड मुरैना वाले क्षेत्र में देखने मिलती है, टीबी भी सबसे ज्यादा इन्हीं पे देखने मिलती है, क्लियर। और अति पिछड़ी जनजाति में भी आती है, क्वेश्चन आ चुका है, यही भी एक पाई जाती है बंजारा, ये राजस्थान वाला क्षेत्र है, तो बंजारा यहाँ भी पाई जाएगी, तो बंजारा यहाँ भी देखने मिलती है। तो बंजारा के द्वारा भी कुछ नृत्य किए जाते हैं, एक है तलवार नृत्य और एक है डंडा तेली नृत्य, क्लियर। तो ये हमारा मध्य भारत वाला क्षेत्र हो गया। उसके बाद आए हमने बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड में भी बहुत फेमस है कुछ लोक नृत्य, उनमें से कौन सा है, राई जो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, कनाडा नृत्य जो धोबियों के द्वारा किया जाता है, बधाई नृत्य पूछा जाता है, बधाई नृत्य किस क्षेत्र में फेमस है, तो बात से आपको याद रखना है बुंदेलखंड। ठिमराई नृत्य ढीमरों के द्वारा, और नौटंकी, नौटंकी क्यों, क्योंकि नौटंकी यूपी में भी बहुत फेमस है, रासलीला ये सब कहा कि नौटंकी के बहुत माने यूपी में बहुत फेमस है, तो आप देख रहे होंगे ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र पूरा यूपी से लगा हुआ है, तो वहां पर भी फेमस है। तेरा और स्वांग भी यहां होता है, क्लियर। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है, भोपाल में किसानों द्वारा किया जाता है बिनैकी नृत्य, ये क्वेश्चन आ चुका है तो आपको याद रखना है, भोपाल में बिनैकी नृत्य इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए। उसके बाद हमारे नर्मदापुरम में एक और जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है कोरकू जनजाति, तो कोरकू के द्वारा भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है, चटकोरा नृत्य। ये क्वेश्चन आपको क्षेत्र के वाइज नहीं पूछेगा, ये पूछेगा किस जनजाति द्वारा किया जाता है, क्षेत्र के द्वारा जो मैंने आपको बता रहा हूं ना, जैसे भोपाल पूछता है भोपाल में कौन सा नृत्य किया जाता है, जैसे एक हलवा जनजाति पाई जाती है कहां पे, बालाघाट में, तो पूछता है कि हलवा ट्राइब्स किस एरिया में। हाँ हाँ वही तो बता रहा हूं आपको मैं, कि जैसे इनका चटकोरा, थापटी, ढाडल या खम्ब स्वांग पूछेगा, तो इनको क्या पूछेगा, जाति के हिसाब से पूछेगा कि कोरकू द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, तो आप क्या बोलोगे। पूछता है अभी उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे ना, अभी सिर्फ मैं आपको ट्राइब्स के बारे में अलग से पूछूंगा क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, अभी मैं उनके अंदर डिटेल बताऊंगा, अभी सबके अपन अंदर जाएंगे। जैसे अपन लोक गायन में गए थे ना कि कलगीतुर्रा निमाड़ में मनाया जाता है, फिर कलगीतुर्रा के अंदर क्या है, तो वैसे इनके अंदर भी जाएंगे, मगर यहाँ से ट्राइब्स से भी क्वेश्चन आता है कि किस ट्राइब्स द्वारा किस क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया। जैसे काठी गड़गौन आपसे पूछे क्योंकि कोई ट्राइब द्वारा नहीं किया जाता, तो आप सीधे पूछेगा काठी गड़गौन किस क्षेत्र में किया जाता है, तो आपको बताना है निमाड़। मगर जैसे चटकोरा नृत्य है, तो चटकोरा नृत्य किसी क्षेत्र में नहीं पाया जा रहा, ये कोरकू द्वारा किया जा रहा है, तो आपसे पूछेगा चटकोरा, थापटी, ढाडल, खम्बस्वांग किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो आपको टिक करना है क्या, कोरकू। समझ में आया। इसके बाद हमने आया एक भारिया ट्राइब जो हमारे छिंदवाड़ा में पाई जाती है, भेड़म, सीतम, अहिराई,
पटवानी और भड़म इनके द्वारा किया जाता है, हो गया। इसके बाद हम आ गए कहां पे, भील, बहुत इंपॉर्टेंट है भील। तो भील के द्वारा होता है तोड़ा, पड़वा, कहरवा और ढांगला, ठीक है। ये चार नृत्य किए जाते हैं, तोड़ा, पड़वा, कहरवा और ढांगला। एक बार घर में जाके आप इसको रिवाइज करिए तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा, तोड़ा, पड़वा, कहरवा और ढांगला, क्लियर। ये भील के द्वारा किया जाता है। इसके बाद एक क्षेत्र है निमाल क्षेत्र। तो निमाल में एक काठी होता है, गलगौड़ होता है, फिफड़िया होता है, मांडल्या होता है, और यहाँ पे एक पनिहारी नृत्य भी चलता है। तो पनिहारी नृत्य राजस्थान में पनघट के नाम से जाना जाता है और छत्तीसगढ़ में क्या, पडवानी नृत्य के नाम जाना जाता है। और मैंने आपको बताया था कि पडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ का तीजन वाई बहुत फेमस है इस नृत्य में, ठीक है। चलिए, हो गया। इसके बाद हमने देखा बैगा और गौंड जनजाति से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और इनके बहुत सारे नृत्य हैं। कौन कौन से नृत्य हैं, एक है कर्मा, एक है सैला और एक सुआ। ये तीनों बहुत कॉमन है। कर्मा, कर्मा तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, ठीक है। और ये बैगा ऑप्शन में, ये बैगा रहेगा, ये गौंड, दोनों रहेगा तो दोनों ऑप्शन लगाना है आपको, सैला और सुआ। और उसके बाद सजनी दीवानी। तो मैंने आप उसके लिए कोई ट्रिक बता दिया है कि सजनी दीवानी हुई तो ऐठल भड़म विराह की याद में, सजनी दीवानी हुई तो ऐठल भड़म विराह की याद में। तो सजनी दीवानी भी बैगा और गौंड के द्वारा किया जाता है, भड़म भी बैगा और गौंड के द्वारा किया जाता है, विराह भी बैगा और गौंड के द्वारा किया जाता है। इसके बाद रीना टीना नृत्य बहुत फेमस है ना, ये भी गौंड और बैगा दोनों के द्वारा किया जाता है। तो रीना टीना ने परधोनी, परधोनी पहनकर दादा के साथ बलमा नृत्य किया। तो बलमा बाद से बैगा से याद रख सकते हो आप। दादरिया नृत्य भी इनमें फेमस है, परधोनी नृत्य भी इनमें फेमस है, रीना और टीना नृत्य भी इनमें बहुत प्रचलित है। इसके बाद एक और या बात से याद रख सकते हो आप, बिमला नृत्य है ना। उसके उर्राव एक जनजाति होती है, उनके द्वारा भी किया जाता है, सरुल, घड़िया है ना। और एक लिख सकते हो आप, यहाँ पे भी डंडा नाच भी करते हैं लोग, डंडा नाच ये भी होता है इनके द्वारा, ठीक है ना। और मालवा के द्वारा हो गया क्या, मटकी, रजवाड़ी, डंडा नाच, आड़ा खाड़ा। और एक और लिख लीजिए, कोल, कोल का नहीं बताया, कोल दहका नृत्य बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट लिखिए। जो कोल ट्राइब पाई जाती है ना हमारी, कोल, कोल के द्वारा होता है दहका नृत्य, दहका नृत्य, इसको और ऐड कर लीजिए, दहका नृत्य कोल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, कोल के द्वारा। और ये कोल जनजाति कहां पाई जाती है, रीवा में, कहां पे देखने मिलेगी, रीवा में। और मैंने आपको बताया था कि जो इनके इनके हेड होते हैं उनको क्या बोला जाता है, गोहिया बोला जाता है, इनकी पंचायत को क्या बोला जाता है, गोहिया, दहका नृत्य है ना। तो ये हमारे जनजातियों द्वारा ये नृत्य हो गया है ना। अब हमें क्या पढ़ना है आगे, हमें पढ़ना है इनको कि रजवाड़ी क्या होता है, डंडा नाच क्या होता है, मटकी क्या होता है, किसके द्वारा किया जाता है और कब किया जाता है, इनके अंदर की डिटेल पढ़ना है। काठी, गणगौड़, फेफड़िया, मांडल्या, इनके बारे में पढ़ना है। राई, बधाई, कनाडा, ठिमराई के बारे में पढ़ना है। परधोनी, चटकोरा, सरहुल, विरा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हमें इनकी डिटेल के अंदर पढ़ना है और हमारा लोक नृत्य हो जाएगा। मैं इसको आपको इतनी डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अभी भी आप लगा के देखोगे, कोई भी पेपर में आप देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आर्ट एंड कल्चर में, और आर्ट एंड कल्चर में भी लोक नृत्य, फोल्क डांस आता ही आता है। पांचों टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोक नृत्य, फोल्क डांस। तो हमें ये इसको पूरा क्या कंप्लीट करना है, समझ में आया। इस पर हमें क्या पढ़ना है, लोक नाट्य, ठीक है। और लोक नाट्य के बाद हमने क्या पढ़ना है, जैसे लोक नाट्य में जैसे जिदम्बा बघेलखंड का बहुत फेमस है, माच बता दिया है ना, इनको पढ़ना। फिर उसके बाद हम चित्रकला पढ़ेंगे, यहाँ की चित्रकला फेमस है। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, शिल्पकला। उसके बाद ही हमारा टॉपिक खत्म होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमें कौन सा टॉपिक शुरू करना है बताइए, हाँ, और कौन सा टॉपिक बचा हमारा, हाँ, काफी टॉपिक हो गया है ना। और इसके बाद क्या बचा है बताइए, फिर हमारा इसके बाद कौन और कौन सा टॉपिक बचा है, हाँ, पर्सनालिटीज हो गई कि नहीं हुई है, नहीं हुई है ना, चलो उसको बता देंगे। और एक हिस्ट्री बचा है, एक हिस्ट्री का चैप्टर बचा है ना,
जो राजवंश जो हमारे यहाँ हुए हैं वो पढ़ना है। और बताइए, वही बस एक बड़ा चैप्टर बचा है। और एमपी का कौन सा बचा है? जलवायु ये सब तो हो चुका है ना। और बताइए, मकबरे बता दिया हूं, गुफाएं हो चुकी है ना, मेले हो चुके हैं, और हमारे क्या मकबरे बचे हैं, किले इले, वो हिस्ट्री में कवर हो जाएंगे, या एक दिन कर लेंगे, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं कि किले इले के बारे में ना, स्थापकला, खजुराहो, और ये सब वो हिस्ट्री के चैप्टर में आ जाएंगे। और क्या बचा है इंपॉर्टेंट हमारा एमपी में? कृषि भी हो गया है हमारे एमपी की। हाँ, कृषि हो गई है, नदियां हो गई, नदियां तो बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ मैंने, फॉरेस्ट भी हो चुका है ना, सारी रिपोर्ट सब कुछ बताया हूँ, और जो भी टॉपिक आप लोग देख लीजिए क्या बचा है हमारा, तो वो कर लेंगे, उसके बाद फिर हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 10-15 दिन में। 10 दिन में तो हमारा ये कोर्स एमपी का कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं बचा, छोटा सिर्फ हिस्ट्री बची है बस, एक बड़ा टॉपिक, इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं बचा एमपी में, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है ना। फिर उसके बाद हमें दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, ठीक है? उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहेंगे आप लोग? हाँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। कौन सा? हिस्ट्री पढ़ना है ना, मतलब भारत का प्राचीन इतिहास। ठीक है, पहले से कंप्लीट कर लें, 10 दिन में एमपी अब कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, चलिए, है ना, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू। और जो भी टॉपिक अगर आपका बचा है और आप लोग सर्च कर लीजिए जो भी